मंगल भवन अमंगल हारी। श्री राम मुलख प्रभु जी जग सुखकारी। 71 नेपाल की यात्रा। मंगल भवन अमंगल हारी। श्री राम मुलख प्रभु जी जग सुखकारी। प्रभु जी ने दीना आदेश, छोड़ चलें अब यह प्रदेश। मार्ग उत्तर का हम ग्रावें, देश नेपाल और अब जावें। योगी महान मिलें उस देश, आप्त पुरुष का यही आदेश। प्रभु की आज्ञा को तब मान, तुरंत चले सब भक्त सुजान। जभी देश के निकट पधारे, मार्ग देखे रुद्ध उन सारे। शिव मेले की यात्रा भारी, जनता उमड़ पड़ी थी सारी। राज जनों ने सब रुकवाए, कोई ना आगे बढ़ने पाए। सबके साथ प्रभु रुक पाए, वृक्ष के नीचे डेरे लाए। रुके मार्ग में नाथ जी, मंडली सारी संग। परेशान जनता खड़ी, राजपुरुष भी तंग। विलंब हुआ देखा जब भारी, दुख में देखी जनता सारी। प्रभु जी भक्तों को फरमाए, जा पूछ कोई सज्जन आए। क्यों ना जनता बढ़ने पाती, ठहर क्यों यह कष्ट उठाती। क्या राजा की आज्ञा ऐसी, अथवा मुहूर्त घड़ी है नैसी। अंतर्यामी का फरमाना, सुन भक्तों ने अचरज माना। दंडी स्वामी आज्ञा मानी, गया जहां खड़े बहु प्राणी। एक अधिकारी से पूछ पाया, प्रश्न प्रभु जी जो फरमाया। उत्तर मिला मार्ग खुल पावे, राजगुरु जब आगे जावे। असम देश से आ रहे राजगुरु महाराज, सबसे पहले वे चलें, पाछे चले समाज। सब जन करते उनका वर्णन, बैठे करने को है दर्शन। उनकी पंक्ति जब लंग पाए, जन समूह भी पाछे जाए। दंडी स्वामी सुन यह वाणी, पहुंचा जहां प्रभु कल्याणी। प्रभु को सारी कथा सुनाई, राजगुरु प्रतिप्रीत जताई। सुनकर प्रभु दिए मुस्काए, कर संकेत मुख राम बताए।
मुख ने समझे प्रभु की बात, पुस्तक से उसे ढूंढी पात। रण सिंह ने जो पाती दीनी, प्रभु जी लेकर वह पढ़ दीनी। बात थी उसमें स्पष्ट बताई, भक्त जनों की समझ में आई। पाती को तब ले कर दंडी की नी पेश, सेवक प्रभु ढिंग आए पाने को आदेश। एक अनुपम शिविका राज पुरुष ले आए, मंगल वचन उचार कर उसमें प्रभु बिठलाए। प्रभु जी शिविका में बिठलाए, इंद्र ध्वज नभ मध्य फहराए। ढोलन फीरी बाजन लागे, दिग दिगांतर गूंजन लागे। प्रभु की शिविका चाली आगे, सब जन उसके पाछे लागे। जयकारों ने गगन गुंजाया, अति उत्साह जनता में छाया। हर हर महादेव सुन पावे, जय 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 गुरुदेव धुन छावे। भिन्न भिन्न जनता के थे वेश, भिन्न भिन्न उनके थे प्रदेश। रूप भेद और वाणी भेद, पर ना था इसका कुछ खेद। लक्ष्य एक और इष्ट भी एक, एक भई सब जनता अनेक। देश वेश तो गौन है, भाषा भी है गौन। मुख्य लक्ष्य को जानिए, मन बसे जो मौन। लंबी यात्रा पर सब चाले, सेवक शिविका को संभाले। भजन उच्चारण करते जाते, जयकारों की गूंज उठाते। वाद्य वादन जब होवे ऊंचे, पर्वत गूंजे सकल समूचे। फाड़ गला पर्वत कह पाते, स्वागत स्वागत ध्वनि उठाते। महाप्रभु को खबर पहुंचाते, राम लाल आगमन सुनाते। समाधि में महाप्रभु भी देखें, दिव्य दृष्टि से राम को देखें। राम में ही निज इष्ट पहचाने, लाख लाख आशीष भेजाने। दिव्य लीला यह ना कोई जाने, काक भुशुंडी ऋषि पहचाने। काक भुशुंडी की ना प्रभु लीला का गान। भक्तों ने यह श्रवण कर पाई भक्ति महान। गूढ़ तत्व जो लिख गया ऋषि भुशुंडी काक, विरला ही कोई समझे पूर्ण उसका भाव।
पूर्ण भाव को बिरला समझे। जग तो संशय में ही उलझे, गुरुओं के जो गुरु बखाने, प्रभुओं के भी प्रभु हैं माने। पर ब्रह्म लेगा अवतार, राम लाल शुभ नाम यह धार। काकभुशुंडी की यह वाणी, समझ पावे जो होवे ज्ञानी। अज्ञ को संशय में यह डाले, तज्ञ को मोक्ष के मार्ग घाले। हे मन काक की वाणी जान, भरा है उसमें तत्व ज्ञान। प्रभु की महिमा काक बखानी, जग प्रसिद्ध है उसकी वाणी। त्रेता युग में प्रथम बखाना, कलयुग में प्रभु जी का आना। योग शक्ति के स्वामी, राम लाल अवतार। उनकी महिमा को लखे, योगी नर वानर। प्रभु को जाने सिद्ध पुरुष, अथवा शरण जो आए। मायावी नर बापुरा, ज्ञान ना कुछ भी पाए। प्रभु की शक्ति काक बताई, रिद्धि सिद्धि और प्रभुताई। प्रभु की शक्ति काक बताई, रिद्धि सिद्धि और प्रभुताई। योग सिद्धि से शरीर अनेक, कल्पे प्रभु जी काल में एक। यह सब लीला उसमें गाई, वाणी का कभविष्य सुनाई। प्रभु दया के जलधि अपार, पर दुख लेने जतन पर धार। दुख दोष और दूषित भाव, दूर करें और दें सद्भाव। सन्मार्ग पर जग को डालें, निर्विकल्प स्वरूप संभालें। परमेश्वर और इनमें भेद, जो जाने सो पावे खेद। ऐसा उनका जानो भाव, नवग्रह का ना हो प्रभाव। नवग्रह के प्रभाव से होंगे वे उपराम। काकभुशुंडी लिख गया, कलि में आवे राम। वही राम अब जा रहे, महाप्रभु के धाम। महाप्रभु भी देख रहे, कब मिलेंगे राम। श्री प्रभु राम लाल जी की जय। शरणम श्री सद्गुरुदेव जी की जय। शरणम 72 अघोरी ज्ञान गिरी पर श्री प्रभु जी की शक्ति का प्रभाव। मार्ग की एक घटना गावे, महिमा प्रभु की हम लिख पावे। एक वैरागी था प्रभु साथ,
वयो वृद्ध और उज्ज्वल माथ। प्रभु जी की वह शक्ति जाने, ईश्वर जान सदा सन्माने। समाधि में वह रुचि ना लेवे, तत्परता से प्रभु को सेवे। मन में सदा वह यही ध्यावे, सबको अपने भाव सुनावे। जिनका कर पाए जग ध्यान, उन्हें मैं पाया मूर्तिमान। आंख मूंद ना ध्यान लगाऊं, सेवा कर मैं उन्हें रिझाऊं। कृपा मुझ पर वे कर पावें, आवागमन से मुझे छुड़ावें। प्रभु जब देह को धारें, उनको ले जो जान। गाले तन मन सेव में, जिमी वीर हनुमान। शक्ति प्रभु से पाय कर, भय मन में ना होए। कर्म अनुपम वह करे, प्रभु महिमा जग जोए। महावीर प्रभु शक्ति जानी, लंका जा सीता सुद आनी। चूरण गर्व रावण का कीना, प्रभु से ही उस सब बल लेना। अर्जुन मन जब निश्चय आया, प्रभु से बल तब उस भी पाया। महारथी सब उसने जीते, देव भी जिन से रहत सभीते। हे मन तुम भी निश्चय धारो, तज जग आस प्रभु सत्कारो। वह वैरागी भी मन जाने, प्रभु से बड़ी ना शक्ति माने। एक प्रात की बात सुनावे, वन जाता वैरागी पावे। वन से दंडी स्वामी आया, मार्ग में उसको मिल पाया। उसको जाते देख कर, दंडी भया शशंक। सावधान करने लगा, कह कर बात निशंक। इस दिशा में शौच ना जाना, जो चाहो भय से बच पाना। एक अघोरी का वह स्थान, ज्ञान गिर उसका है अभिधान। उस दिक कभी ना कोई जावे, भूल से जाकर नर पछतावे। अघोरी करता नर संहार, मानुष ही उसका आहार। सुन वैरागी गिरा उचारी, मैं देखूं वह मानुषाहारी। मेरे प्रभु की शक्ति अपार, इस तन का किमि करे संहार। वृद्ध वैरागी मन में आनी, अघोरी को मिलने की ठानी। कुछ दूरी जब चल कर आया, वहां अघोरी उसने पाया। बैठा वह एक मुर्दा खाता, मानव तन में पशु देख पाता।
आहट उसने पाय कर। ऊपर दृष्टि उठाई वृद्ध पुरुष को देख कर, मुख पे वाणी लाई, आज पड़ा है शुभ दिवस, भोग लगा है हाथ, कहे वैरागी खावे दोनों मिल एक साथ। सुन ज्ञान गिर हुआ है रान, कैसा आया जन अनजान, मेरी शक्ति नहीं पहचाने, मन में भय ना मेरा माने, कभी ना ऐसा नर लंघ पाया, जिसके मुख पे उत्तर आया। क्रोध से तब उस वृद्ध निहारा, देखा मस्तक पर एक तारा, प्रभु की कृपा का वहां हाथ, निरंतर रहे जो उसके साथ। रहस्य लिया तब उसने जान, प्रभु शक्ति को लिया पहचान, प्रभु को कर मन में नमस्कार, किया वैरागी का सत्कार। आओ स्वामी बैठो पास, देखूं गुण तुम में कुछ खास, कहे वैरागी मैं ना आऊं, मुर्दे पास ना बैठन पाऊं, ऐसा कह लौटन लगा, प्रभु का सेवक साध। अघोरी मन चिंता भई, दुविधा एक अगाध, ज्ञान गिर मन यह दुविधा भारी, कुंठित भई थी शक्ति सारी, सिद्धि के थे दोनों रूप, शाप अथवा वरदान स्वरूप। शाप देने की शक्ति नाशी, प्रभु रक्षक थे जब अविनाशी, वर ही दे अब वह लौटावे, शक्ति जिस विध ना खो पावे। ऐसा मन में उसने धारा, कह वचन तब साध सत्कारा, मांग लो मुझसे कुछ वरदान, जानो मुझको तपी महान, साध धरी ना कान पे बात, वही तपी जो मुर्दा खात, मैं ना चाहूं उससे वरदान, साध कहा धर प्रभु का ध्यान, प्रभु ध्यावे साध जब, तेज साध अधिकाय, वह ही तेज निहार कर, अघोरी मन भय खाए। बार बार उसको कहे, मांगो कुछ वरदान, प्रभु का भक्त वैरागी क्यों कर ले वेदान। अघोरी देख निज सिद्धिहान, बोल उठा लो यही वरदान, वचन सत्य हो सदा तुम्हारा, यह जानो वरदान हमारा। तब वैरागी से मुख मोड़ा,
भक्षण ना शव का उस छोड़ा। निज मार्ग वैरागे लेना, जावन कारज निज उसके ना। वन से मुड़ कर जब वह आया, राह में दंडे स्वामी पाया। वह तो था उसका राह देखे, मन में शंका बहुत उल्लेखे। देख साधको जीवित आया, सुख का श्वास दंडी ले पाया। वचन व्यंग तब उस सुनाया, ढूंढ अघोरी खूब है पाया। मृत्यु को थे गए बुलाने, सुंदर भाग्य तुम्हारे जाने। सुंदर भाग्य तुम्हारे मिला अघोरी नाही। वैरागी बोला बंधु मिल पाया उस ताही। दंडी बोला कैसे मानू, उसका रूप बताओ जानू। तेरे मन में भय ना लेश, क्षत विक्षत ना हुए अशेष। उससे कोई ना बच के निकले, मानू कैसे तुम हो फिसले। साधु ने तब प्रभु को ध्याया, मुख से गर्व वचन कह पाया। देखा तेरा वह अघोरी, भक्षे शव जो बैठ के चोरी। मुझको आया जब उस पाया, भय से कांपा व घबराया। रोक ना सका दंडी मुस्काट, बोला उसकी बात को काट। देखा है तुमने कोई और, मानो जिसको तुम आघोर। मांसाहारी जगत अनेक, सिद्ध आघोरी विरला एक। मान पाऊ ना मैं कभी, बिन ठोस प्रमाण। साध बोला मुझको दिया, उसने एक वरदान। मैं लौटाना चाहत था, उसका देना दान। हम तो प्रभु से पा सकें, सारे ही वरदान। दंडी बोला साध प्रवीण, कौन सा वर है तुमको दीन। महिमा प्रभु की कथी ना जाए, विष को अमृत जो कर पाए। साधु ने तब वचन उचारा, मन में ध्यान प्रभु का धारा। तुम जानो सब मेरे भाई, प्रभु महिमा की जो प्रभुताई। शत अघोरी भी जो आवे, दास का ना कुछ भी कर पावे। मैं तो प्रभु महिमा को ध्यावूं, साधन और ना कुछ कर पावूं। प्रभु ने रक्षा मेरी कीनी, अघोरी को सन्मति उन दीनी।
वर उस देकर मुझे लौटाया। वाक की सिद्धि हो बतलाया, दंडी ने आश्चर्य से सुन कही यह बात। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, अभी करो साक्षात। सन्मुख पेड़ जो गूलर, कह दो मेरे मीत। जामुन फल इस पर लगे, हो महिमा प्रतीत। वैरागी ने तब वचन उचारा, जामुन लगे गूलर की डारा। देखो प्रभु की महिमा अपारा, रूप जामुन का गूलर धारा। चकित भय दंडी ने देखा, मुख से तब उसकीन उलेखा। तुमने है यह शस्त्र पाया, वाक सिद्ध जिस नाम धराया। हित अनहित इससे हो पाए, स्वर्ग नरक में जो ले जाए। मोक्ष साधन में सिद्धि बाधा, डूबे जीव पयोध अगाधा। तर्क दंडी का उसने माना, सिद्धि से उस भय को माना। मन में उसने यही विचारा, वन ही बिताऊं जीवन सारा। संग किसी का ना कर पाऊं, प्रयोग में वाणी में ना लाऊं। इस विध मन में धार कर, बोल उठा वह साध। दंडी स्वामी जाय तुम, कहना प्रभु आराध। नाथ तुम्हारा सेवक, गया है वन की ओर। क्षमा दीन पर चाहिए, जिसको ठगा अघोर। ऐसा कह वैरागी धाया, दंडी भी प्रभु चरणी आया। साधु की उस बात सुनाई, अचरज से भक्तन सुन पाई। प्रभु जी मंद मंद मुस्काए, हरि हरानंद तब कह पाए। नाथ के चरणों में क्या भय, पाप ताप का जहां हो क्षय। क्या हुआ एक वर उस पाया, संग त्याग कर जो वह धाया। प्रभु चरणों में साध अनेक, बढ़कर सिद्ध जो एक से एक। रक्षा प्रभु की में वे रहते, पाप ताप को लेश न वहते। सागर तुल्य प्रभु कृपा महान, विचरें जिसमें सिद्ध सुजान। प्रभु कृपा को पाय कर, सिद्धि करत नाहान। बिन प्रभु कृपा के मिले, किस विध नर को त्राण। श्री प्रभु राम लाल जी की जय। शरणम श्री सद्गुरुदेव जी की जय। शरणम।
73 नेपाल राज्य में भव्य स्वागत। प्रात कर्म तब सबने कीना, आगे का प्रभु मार्ग लेना। यात्रा में दिन चार बिताए, काठमांडू में प्रभु जी आए। उस देश की राज वह दानी, रहें भक्त जहां साध सन्मानी। राजा प्रजा सब मन लाकर, स्वागत प्रभु का कीना आकर। भव्य भवन में प्रभु ठहराए, सेवा में बहुजन लग पाए। उपदेशामृत जन करते पान, दर्शन प्रभु का करते आन। रोगी जन भी कोई जब आता, प्रभु से औषध लेके जाता। राजबंधु एक था बीमार, डॉक्टर सारे गए थे हार। ऐसा उसका रोग था, मुख भी खुल ना पाए। वैद्यों की जो औषध, भीतर किस विध जाए। राज परिवार भया निराश, देखा प्रभु ने उन्हें हताश। दया प्रभु के मन तब आई, औषध उसको एक सुंघाई। जिससे मुख उसका खुल पाया, सुख का श्वास सबन को आया। वैद्यों ने तब औषध दीनी, चिकित्सा बहुविध उसकी कीनी। अंतर रोग में ना पर देखा, राजा ने तब मन ही उलेखा। गुरु से बड़ा ना कोई हकीम, गुरु निवारे रोग असीम। ऐसा राजा ने मन धारा, प्रभु चरणों में वचन उचारा। नाथ हुए हम बहुत हताश, आप पे लागी सारी आश। आशा केवल आप पर, काटो संकट नाथ। जीवन की पतवार तो सदगुरु के ही हाथ। प्रभु ने सुनी जब आर्त पुकार, मन में लीनी कृपा धार। औषध उसको प्रभु जी देनी, व्याधि उसकी सब हर लेनी। जग के सृजन पालन हार, करत शरणागत दुख निवार। ऐसे प्रभु जी जब मिल पाए, भक्त के ऊपर कष्ट न आए। राजवंश का कष्ट निवारा, शरण में आ पड़ा जो सारा। महिमा फैली जग में प्रभु की, इच्छा दर्शन की हुई सबकी। राज दरबार में प्रभु पधारे, दर्शन पावे जिस विद सारे। सकल जनों ने चरण स्पर्शे,
पंडित गण पादर्शन हर्षे। प्रभु दर्शन को पाय कर सबको भया संतोष। शास्त्र चर्चा करने लगे पंडित जन बिन रोष। मुख राम और दंडी स्वामी शास्त्रों के थे पंडित नामी। तार्किक वैयाकरण मुख राम वेदांत में पाया दंडी नाम। शास्त्रों की चर्चा चल पाई सकल समाज ने रुचि दिखाई। पंडित जन विद्वान थे भारी कंठ पे उनके विद्या सारी। प्रसंग कठिन उन बहुत चलाए दंडी वा मुख राम सुहाए। बढ़ चढ़ कर लेना उन भाग शास्त्रार्थ में उनका अनुराग। सबने उनका लोहा माना राजा ने भी मन अनुमाना। योगी गुरु के शिष्य विद्वान इनसे सभा पाएगी ज्ञान। ऐसे नर विद्वान जो रहते प्रभु के संग। सभा मध्य नित आवे चले सुंदर प्रसंग। सभा विसर्जित फिर हो पाई सायंकाल की वेला आई। धाम अपने में प्रभु पधारे नित्य कर्म करें वह सारे। प्रात उठे और ईश ध्याया प्रभु को सबने शीश झुकाया। ध्यान भजन में सब जन लागे प्रात कर्म के वे अनुरागे। इतने में बहु सेवक आए भोग सामग्री को वे लाए। प्रभु प्रसाद सबन को दीना किंचन मात्र नाथ भी लेना। राज पुरुष तब एक चल आया प्रभु जी को दरबार बुलाया। सब मंडल दरबार पधारा खुद राजा ने वहां सत्कारा। राजा ने सत्कार कर आसन दीना खास। प्रभु विराजे मध्य में राजा बैठा पास। राजा के संकेत से चली शास्त्र की बात। विषय लिया वेदांत का विप्रों ने उस प्रात। वेद विषय मुख राम ना जाने इसमें वह तो हार को माने। दंडी देख यह आगे आया गूढ़ विषय वेदांत सुनाया। प्रभु जी को उस मन में धारा दिव्य बहाई ज्ञान की धारा। पंडितों की बुद्धि चकराई दंडी की वह फिरी दुहाई। परास्त भय जब सब विद्वान
वृद्ध था विप्र एक सुजान। वह दंडी के सन्मुख आया, उस वेदांत प्रवाह चलाया। मुख था मुख लटकाए पास, सुनता सब कुछ रोक के श्वास। सुनता ध्यान लगाय कर, मुख में अंगुल डाल। पकड़ ली एक अशुद्धि विप्र की तत्काल। अशुद्ध वचन एक विप्र उचारा, मुख ने उसका दोष निकारा। विप्र ने जब किया प्रतिकार, उपजा उनमें तब तकरार। नूतन रूप विवाद ने धारा, जो था एक शब्द पर सारा। व्याकरणाचार्य था मुख राम, मुख पे उसके सूत्र तमाम। अशुद्धि को उस सिद्ध दिखाया, वृद्ध विप्र को शीघ्र हराया। संग में कटु शब्द कह दीने, विप्र ने जो मन धर लीने। बात असभ्य प्रभु यह मानी, निज शिष्यन से हुई गलानी। मुख राम ना संग जो होता, विप्र का अपमान ना होता। प्रभु जी ने मन में तब आनी, त्यागन की शिष्यन को ठानी। शिष्य त्यागे हम सभी, कोई ना रखे साथ। इस विध मन में धारया, लीला धारी नाथ। सभा विसर्जित जब हो पाई, हरि को आज्ञा प्रभु सुनाई। सकल सामग्री कर दो दान, सब जन यहाँ से करें प्रस्थान। जिस जिस को जितना धन चाहिए, देकर उसको विदा कराइए। मेरे संग ना कोई रह पाए, अपने अपने राह पर जाएं। जिमि हरि ने आज्ञा पाई, सभी जनों को दीन विदाई। प्रभु जी को सब कर प्रणाम, लेते उनका मुख पर नाम। रूप उन्हीं का मन में धार, सभी हुए चलने को तैयार। द्रव्य जो उनको प्रभु जी दीना, आशीर्वाद सहित सब लेना। आशीष प्रभु की पाय कर, चले गए सब साध। गुरु मिलन की लालसा, हृदय प्रभु अगाध। हरि को दीनी आज्ञा, बैठ करे वह योग। आए मिलेंगे फिर कभी, लागे जभी सुयोग। इस विध कह प्रभु चल पाए, उत्तर दिक की ओर। था आकर्षण घन उधर,
भया था प्रभु मन मोर। उत्तर दिक को प्रभु जी चाले, एकाकी मन गुरु संभाले। दुर्गा मंदिर मग में आया, प्रभु ने दर्शन उसका पाया। उससे आगे जभी पधारे, घोर जंगल में पग उन धारे। इतने में अंधेरा छाया, झाड़ी तले प्रभु डेरा लाया। रात अंधेरी शून्य स्थान, नाथ अकेले वन गुंजान। श्वापद विचर लगावे फेर, रह रह कर वहां दहाड़े शेर। हृदय प्रभु के ना कुछ भय, सदगुरु प्रीत करत निर्भय। सुख की नींद प्रभु सो पाए, मध्य रात महाप्रभु जी आए। श्री प्रभु राम लाल जी की जय। शरणम श्री सद्गुरुदेव जी की जय। शरणम।